बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद उम्मे हबीबा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मज़ेदार से मखने मक्खन टिक्का राइस की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार से राइस बन के तैयार होते हैं, तो आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी लिया है मैंने मटन, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर डाल दी है मैंने 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इनको मिक्स करके मैरिनेट कर दूंगी 2 घंटे के लिए। मसालों में ऐड करूंगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और हसबे जायका नमक डाल के इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप दही। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अब तैयार कर लेंगे अपनी बटर सॉस। इसके लिए लिया है मैंने 1 गिलास डालूंगी इसके अंदर मैं पानी। फिर इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन क्यूब। आप चाहें तो इसकी जगह यखनी भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास यखनी नहीं थी तो मैं इसमें ये यूज़ कर रही हूँ। ऐड करके अच्छे से इसको डिसॉल्व कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1/2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी और 3 से 4 मिनट इसको पका लूंगी ताकि इसमें अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छे से थिक्स करके इसको निकाल लेंगे। बटर सॉस मेरी रेडी है। बटर राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून बटर। मेल्ट कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हसबे जायका नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसके अंदर ऐड कर दूँगी अपने बॉईल किए हुए चावल। मैंने 1 गिलास चावल इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर, 250 ग्राम जो बनते हैं। जैसे बिरयानी के लिए चावल को बॉईल करते हैं, सेम मैंने उसी तरह से चावल को बॉईल कर लिया था। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें ऐड कर दूँगी पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें। अब तैयार कर लेंगे अपना बटर टिक्का। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून बटर। आप चाहें तो बटर की क्वान्टिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें ऐड कर दूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज, साथ ही इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें ऐड कर दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा सोते करके इसके अंदर डाल दिया है मैंने गोश्त जो कि मैरिनेट करके मैंने रखा था। 2 मिनट इसको फ्राई करूंगी, फिर इसके ऊपर डाल दूंगी पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें और इसको लगा लूंगी स्टीम। टाइम सेव करने के लिए मैं इसको स्टीम लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसे भी पका सकते हैं। गोश्त मेरा अच्छे से गल गया था, इसके ऊपर अगेन मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ धनिया और हरी मिर्चें और उस पर लगा रही हूँ बारबेक्यू स्मोक। कोयले को अच्छे से गर्म करके मैंने इसके अंदर रख दिया और ऊपर डाल दिया 2-3 ड्रॉप ऑयल के और इसको कवर कर दिया 2 से 3 मिनट के लिए। मज़ेदार से टिक्का राइस मेरे रेडी हैं। इसके ऊपर डाल दिया है मैंने जो सॉस रेडी किया था वो। गर्मा गर्म करेंगे इसको सर्व। मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा नुकसान हो गया था, मेरी जो रिंग लाइट है वो टूट गई थी इसलिए बस नॉर्मली क्वालिटी आई है। इसी के साथ अपना बहुत सारे रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा। याद मिलते हैं मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।